उत्तर कोलकाता में इन दिनों हर रोज तृणमूल युवा कांग्रेस की ओर से अलग अलग वार्ड में जाकर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही वार्ड में 24 पौधे भी लगाए जा रहे हैं। इनका कहना है कि 2024 में हम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसी कड़ी में आज वार्ड नंबर 43 अंतर्गत मोहम्मद जान हाई स्कूल में वार्ड 43 के तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पवन शर्मा के नेतृत्व में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आज महानगर के वार्ड नंबर 43 के अंतर्गत मोहम्मद जान हाई स्कूल में 43 नंबर वार्ड तृणमूल युवा कांग्रेस की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 43 नंबर वार्ड तृणमूल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पवन शर्मा के नेतृत्व में हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर कोऑर्डिनेटर शगुफ्ता परवीन, कोऑर्डिनेटर रेहाना खातून, उत्तर कोलकाता तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष आनंद किशोर राउत, वार्ड नंबर 43 टीएमसी के प्रेसिडेंट परवेज इकबाल और अन्य टीएमसी कार्यकर्ता उपस्थित थे। रक्तदान शिविर के आयोजन के साथ साथ वार्ड में अलग अलग जगहों पर 24 पौधे लगाए गए। उनका कहना है कि 2024 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनाने का हमारा लक्ष्य है, इसलिए हम यह पौधे लगा रहे हैं। गौरतलब है कि उत्तर कोलकाता तृणमूल यूथ कांग्रेस की ओर से हर रोज अलग अलग वार्ड में जाकर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही वार्ड के अंतर्गत अलग अलग इलाकों में पौधे लगाए जा रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि 2024 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस पूरे देश भर में अपना परचम लहराएगी और भाजपा को उखाड़ फेंकने का सपना साकार होगा। चल रहा है, इतना बारिश हो रहा है, मगर तृणमूल का लोग रुकेगा नहीं जब तक मोदी को देश से नहीं प्राइम मिनिस्टर से हटाएगा। और सब लोग चाह रहे हैं बारिश हो, जो भी हो, ममता जी भारत का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये हम सब लोग का इतना फोर्स है। देखिए इतना बारिश हो रहा है, चार पांच में पानी जम गया है, मगर देखिए कितना आदमी लोग ब्लड देने के लिए हम लोग का साथ में, तृणमूल कांग्रेस को झंडा को ऊँचा करने के लिए इतना लोग शामिल हो गया है। असल लड़ा कौन इतना बार, कोई लड़ा हो? जंग तो होता है, जंग में मोदी का साथ बैटल किसका हुआ है ये सारा देश देख लिया है। इंडिया छोड़ के देखिए ना, बाहर का स्टेट का लोग भी एकदम बहुत बढ़िया। देखिए ना, हम लोग यहाँ खड़ा है, इधर में मेगा सेंटर है, वैक्सीन दे रहा है आदमी लोग को बचाने के लिए, और मोदी ने मानना चाहता है, ये बचाना चाहता है। डर गया है, समझो जो डर गया समझो मर गया, ये डायलॉग मालूम है? तो मोदी डर गया तो मर गया। परवेज भाई अच्छे, पवन अच्छे, सबाई मिले। देखो एत मानुष विस्तृत मानुष थेमे थकते ना, মানুষের মনের মধ্যে যে যন্ত্রণা কষ্ট যে নরেন্দ্র মোদীকে সরাতে হবে, তার জন্য একটা প্ল্যাটফর্ম দরকার, সেটা তৃণমূল কংগ্রেস, তার বাইরে আর কিছু নেই। লাগায় যা রা শুরু হো গিয়া হ্যাঁ পর লাগায় যা রা হ্যাঁ ইয়ে লাগানে কা পিছে মকসদ এই হ্যায় কি 2024 মে হামারি জো সিএম হ্যায় বঙ্গাল কি শেরনি হ্যায় ও দিদি হ্যায় মমতা দিদি হ্যায় উনকো 2024 মে দিল্লি কে তক মে হাম লোগ বৈঠায়েঙ্গে উনকো প্রধানমন্ত্রী বানায়েঙ্গে প্রাইম মিনিস্টার বানায়েঙ্গে ইয়ে মেরা হ্যায় मेरा कहना है। फिर बंगाल के लोग का कहना है, बड़े कहते हैं ये सब नारा, बच्चों भी कहते हैं कि दीदी प्राइम मिनिस्टर इंशाल्लाह ज़रूर बन के आएंगे 2024 में। यही नारा रहेगा कि अब की बार हमारी सरकार है ममता दीदी, हम लोग रसगुल्ला खिलाएंगे। तृणमूल कांग्रेस की क़यादत में दीदी की हिदायत पर तमाम वार्डों में ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है। इसका मकसद एक ही है, हमारी रहबर ने एक ही चीज़ मकसद सोचा कि सबसे पहले तो एक जो इस एमराज अभी दो साल से पूरा मुल्क जो जूझ रहा है, परेशानी से मुब्तला है, ये मर्ज के लेकर के बहुत सारे किल्लत हो गई है खून का, तो इस खून की किल्लत को दूर करने के लिए ब्लड डोनेशन कैंप अजहद ज़रूरी है, तो इसको पूरा करने के लिए किया गया। और दूसरा ये है कि ये ब्लड डोनेशन कैंप खून का अतिया कैंप जो है, यही भाईचारगी को मजबूत कर सकता है, इतिहास को कायम रख सकता है, तो ये भी एक नज़रिया था ब्लड डोनेशन कैंप करने का। यही मेरा पैगाम है कि इससे बेहतर भाईचारगी को मजबूत करने का कैंप हमने नहीं किया है, ये हमारी नेत्री ममता बनर्जी के निर्देश से हो रहा है और ये बंगाल में हर वार्ड में हो रहा है। सुबह शाम करके जो कोविड-19 को लेकर दिखाया जा रहा है कि अगर किसी हमारे बंगाल में किसी भी इंसान को ब्लड की दरकार पड़ती है तो वो ब्लड डोनेशन किसी के हिसाब से किया जा रहा है कि पूरे बंगाल में हमारे जितने वार्ड हैं सब जगह ब्लड डोनेशन हो रहा है। कभी भी किसी हमारे बंगाल के बासिंदों को अगर ब्लड की दरकार होती है तो हर वार्ड के प्रेसिडेंट, यूथ प्रेसिडेंट और कोऑर्डिनेटर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनके पास का ब्लड कार्ड जरूर रहता है। हमारे यहाँ की 52 लोगों में 52 हम लोग का था जिसमें 52 हुआ है।
51 लोगों ने ब्लड डोनेशन पैक किया। यही चाहते हैं कि इस बार ममता सरकार, अब आएंगी ममता बनर्जी, अब आएंगी इंशाल्लाह 2024 में ममता बनर्जी, और दिल्ली में बैठ करके कलकत्ता और दिल्ली और पूरा हिंदुस्तान को हम लोग मिष्टी दोई और रसगुल्ला खिलाएंगे इंशाल्लाह, जब दीदी जीत जाएंगी तो इंशाल्लाह सबको एक साथ होगा। और जैसा कि आप जानते हैं वो जद्दोजहद मैदान जंग में उतर चुकी हैं, जब किसी चीज़ को ठान लेती हैं तो बैकआउट नहीं करती हैं, बाकी ऊपर वाला अल्लाह पाक साथ देगा। और दीदी हम लोग की शेरनी है, बंगाल का शान बान सब कुछ दीदी हैं, और अल्लाह गॉड वो भी उनके साथ है, और इंशाअल्लाह दीदी कामयाब होंगी।